वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ECO402 के शॉर्ट नोट्स का पार्ट टू कर रहे हैं। पार्ट वन में हमने जो है 10 क्वेश्चंस किए थे। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। इस फाइल में तकरीबन आई थिंक 75 क्वेश्चंस हैं, तो मैं इसको थोड़ा शॉर्टली इसलिए बना रही हूँ वीडियोस ताकि आपको इसको समझने में और इसको करने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अब जो कि पीछे हमने किए थे 10 क्वेश्चंस, अब ये 11th है। तो यहाँ हमारा है व्हाट इज़ परफेक्ट कंपटीशन, के जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन जो है वो परफेक्ट क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है। तो ये है परफेक्ट कंपटीशन इज एन इकोनॉमिक मॉडल दैट डिस्क्राइब्स हाइपोथेटिकल मार्केट फ्रॉम इन विच नो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर हैज टू मार्केट पावर टू इन्फ्लुएंस प्राइसेस अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड इकोनॉमिकल डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी पेरेटो एफिशिएंसी परफेक्ट कंपटीशन वुड लीड टू अ कंप्लीटली एफिशिएंट आउटकम। द एनालिसिस ऑफ परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। नेक्स्ट व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, के जो हमारे परफेक्ट कंपटीशन के लिए जो कंडीशंस हैं परफेक्ट वो कौन सी हो सकती हैं। वन है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, होमोजेनियस प्रोडक्ट। इसमें जो है हमारी जो परफेक्ट कंपटीशन के लिए जो होती हैं कंडीशंस वो ये सब हो सकती हैं कि उसमें जो है बायर्स एंड सेलर्स सबसे ज़्यादा हों, उनकी तादाद ज़्यादा हो, उसके बाद है एंट्री जो वहाँ हमारे स्टोर वगैरह में जाने के लिए वो फ्री हो, फिर जो है होमोजेनियस प्रोडक्ट मीन्स के सबसे बेस्ट सबसे अच्छी प्रोडक्ट हो, तो फिर जो है परफेक्ट कंपटीशन जो हो सकता है। ये परफेक्ट कंपटीशन का मतलब यहाँ हमारे इकोनॉमिक से है, इकोनॉमी से है कि एक जो है हमारा एक बाज़ार जैसे होता है उसमें चंद शॉप्स हैं, तो उनमें कंपटीशन हम कह सकते हैं कि उनमें कंपटीशन और कोई नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ उनके कस्टमर्स और बायर्स का हो सकता है कि वो उसमें कितने हैं, उसमें कितने उतने वो जिसके सबसे ज़्यादा होंगे वो कंपटीशन में सबसे आगे होगा। नेक्स्ट कैन परफेक्टली कंपटीटिव फर्म अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट, इसका आंसर है इन द शॉर्ट रन यस, वाइल इन द लॉन्ग रन द आंसर इज नो। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ आउटपुट टैक्स ऑन एमसी एंड आउटपुट इन कंपटीटिव फर्म्स आउटपुट, जो है हमारा इसमें यह है कि जो हमारे जो फर्म्स होती हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनमें से जो हमारा जो टैक्स वगैरह जाता है उसके हवाले से ये है कि उसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं।
increases firms marginal cost by the amount of tax के जो हमारी जो होती है ना कोई भी थिंग जो होती है उस जो भी हमने कोई प्रोडक्ट बनाई हुई होती है उस पे जो है वो टैक्स भी उसमें पड़ जाता है तो उसमें उसकी प्राइस में जो है इजाफा हो जाता है इंक्रीज हो जाती है एंड फर्म विल रिड्यूस आउटपुट टू द पॉइंट एंड विच द मार्जिनल कॉस्ट प्लस द टैक्स इक्वल द प्राइस जो भी हम कोई चीज़ लेके आते हैं तो उसके ऊपर अगर रेट वगैरह लिखा हो तो उसमें जो है हमारी मार्जिनल कॉस्ट और फिर प्लस जो है हमारा टैक्स लिखा हुआ होता है और इक्वल्स टू प्राइस लिखी हुई होती है ये ओनली प्राइस उसमें नहीं होती क्योंकि वो टैक्स दे रहे होते हैं तो वो टैक्स जो होता है वो जो है आम कंज्यूमर से ही वसूल किया जाता है नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कि जो हमारा शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के में जो है डिफरेंस मालूम करना है इसमें डिफरेंस बताना है इन शॉर्ट रन वी आर रिस्ट्रिक्टेड एंड एज प्रोड्यूसर वी कैन नॉट चेंज आवर फिक्स्ड फैक्टर्स बट इन लॉन्ग रन अ फर्म कैन अल्टर ऑल इट्स इनपुट्स इंक्लूडिंग द साइज ऑफ द प्लांट तो यहाँ वो बोल रहा है कि जो एक जो इन शॉर्ट रन होता है वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर होता है वी कैन नॉट फिक्स द फैक्टर चेंज आवर फिक्स द फैक्टर्स के जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स में जो है चेंजिंग नहीं लाई जा सकती जो शॉर्ट रन में है और जो लॉन्ग रन में है उसमें जो है चेंजिंग्स भी आ सकती हैं और उसमें इजाफा भी किया जा सकता है इंक्लूडिंग जो हमारा जो होता है प्लांट उसमें भी इजाफा किया जा सकता है और हमारे जो फैक्टर्स होते हैं उसमें भी इजाफा किया जा सकता है नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज ग्राफ के ग्राफ क्या है अ ग्राफ इज अ टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स और डेटा कि जो हमारा पैराग्राफ होता है वो टू डायमेंशनल होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ नंबर्स और डेटा कि उसमें जो हैं दो डायमेंशंस होती हैं जो जिसमें हम जो है नंबर्स और डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारा व्हाट डज द स्लोप शो द स्लोप ऑफ द लाइन इंडिकेट्स वेदर द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव तो यहाँ जो है हमारी व्हाट डज द स्लोप शो तो यहाँ जो है हमारी जो स्लोप लाइन होती है वो वेदर मीन्स वेरिएबल और जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए वो शो आउट किया जा सकता है स्लोप के ज़रिए कि स्लोप के ज़रिए हम पॉजिटिव को भी शो आउट कर सकते हैं और नेगेटिव को भी नेक्स्ट है हमारा विद व्हाट आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो क्या है इकोनॉमिक रिसोर्सेज कंसिस्ट्स ऑफ यहाँ है हमारे तीन चीज़ें दी हुई हैं कि वो किस में किसके साथ कंसिस्ट्स हैं लैंड कैपिटल लेबर ये हमारी जो इकोनॉमिक
रिसोर्सेज हैं कि हमारी लैंड भी होती है उसमें, कैपिटल भी होता है और लेबर। लैंड जो हमारी ज़मीन होती है जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और कैपिटल होता है जो हम जो इनकम जो हम हमारे पैसे जो होते हैं वो हम जो अपने बिजनेस पे लगा रहे होते हैं वो होते हैं, फिर जो हमारी लेबर होती है कि जो लोग काम करने वाले होते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ व्हेन यू हैव अ चॉइस बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव्स यू विल चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव। However, choosing the best alternative means you can't choose the next best alternative. Opportunity cost is the next best alternative that must be sacrificed in order to get something or else you want. तो यहाँ जो है हमारी वो बोल रहा था कि टर्म्स मेड बाय टर्म्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो इसमें जो है हमारी चॉइसेस अगर वगैरह के हों टू और मोर अल्टरनेटिव्स, तो हम जो है कोई भी जो है बेस्ट अल्टरनेटिव जो है उसको चूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने और जो है इसका मीन जो होता है मीन उसका उसने बताया कहा था कि क्या है, तो चूज नेक्स्ट कांट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव के जो होता है, जब एक दफ़ा चूज़ कर लिया है अल्टरनेटिव तो सेकंड टाइम जो है बेस्ट अल्टरनेटिव को हम चूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही दफ़ा उसको कर सकते हैं। यहाँ है हमारा 20 क्वेश्चन है व्हाट डज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉर फ्रंटियर शो। तो पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शो जो है वो क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर इलस्ट्रेट्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिक्योरिटी सिक्योरिटी रिसोर्सेज आर लिमिटेड चॉइसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स नीड टू द बी मेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट to gain more of the good something else must be given next time hamara 21 ye I think yahan tak hum kar lete hain kyunki ye 10 questions isme bhi ho chuke hain ab ye part 2 complete ho chuka hai part 3 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे आपके फाइनल टर्म के लिए बहुत हेल्प होगी। टेक केयर।